और बिहार सरकार का एक और नया आदेश आया है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार सरकार का एक और नया आदेश आया है। यहां आदेश सरकार के मंत्रियों को लेकर आया है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन में मंत्रियों के क्षेत्र में घूमने पर पाबंदी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रियों पर भी अब पाबंदी लॉकडाउन को लेकर लगाई गई है। सरकार ने इस बाबत एक चिट्ठी जारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने एक चिट्ठी जारी करते हुए ये बात कही है। अपर मुख्य सचिव की ओर से मंत्रियों के आप्त सचिव से यह अनुरोध किया गया है कि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही क्षेत्र का दौरा करें या निरीक्षण करें। सरकार का एक और बड़ा आदेश, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, अब लॉकडाउन में जिस तरीके से कई मंत्रियों को हमने देखा जो अपने क्षेत्र जा रहे थे, दूसरे जगहों पर जा रहे थे, दौरा कर रहे थे, अब उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। नहीं, बिल्कुल, ये अनिवार्य था। जिस तरह से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जा रहे थे और तमाम मीटिंग में शामिल हो रहे थे, दरअसल जनप्रतिनिधि का सीधा ताल्लुकात आम पब्लिक से होता है, और जहां भी ये जाते हैं तकरीबन 150 की संख्या में लोग इनके साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार ने देखा कि इस स्थिति में जो हमारा जो प्लान है, जो लॉकडाउन की जो कोरोना गाइडलाइन का जो कार्यक्रम है, उसका उल्लंघन हो रहा है और इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। इसकी वजह से जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, तमाम मंत्री और तमाम जो नेता हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं, मंत्रियों के सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप कृपया अगर कोई अनिवार्य काम हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे निपटा लें, लेकिन क्षेत्र में न जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा न हो। सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार की ओर से ये जारी किया गया है, और इसमें बातें कही गई हैं कि अगर जरूरी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थितियों को देखें समझे, अगर आप जाते हैं तो वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से मतलब लोगों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ये बातें कही गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से यह निर्देश दिया गया है वाकई में सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जितना अधिक से अधिक संक्रमण को रोकें और रोकने का जो तरीका है उस तरीका पर अगर काम करें तो हम संक्रमण को रोक सकते हैं। वैसे स्थिति में जो फैसला लिया गया है या जो निर्देश दिए गए हैं वो गलत नहीं है, वो निर्देश जरूरी है। जब बेहतर होता कि और पहले ये निर्देश जारी करने की जरूरत थी, और इससे फायदा देखिए, इसका अगर राजनीतिक पहलू अगर आप देखेंगे, इसके पीछे दो आप पिछले दिनों आपने देखा कि पप्पू यादव को एक हालांकि मामला पहले कुछ था और बाद में उन्हें दूसरे केस में अंदर किया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया है कि अगर मुझे इस क्षेत्र में जाने की इजाजत दी जाए तो मैं जाऊंगा। तो सरकार ने यहाँ पर दो देखिए, एक तीर से दो निशाने साधा गया है। एक तरफ मंत्रियों को रोका गया है, हवाला ये दिया गया है कि आप जाएंगे भीड़ इकट्ठा होगी और संक्रमण फैलने का खतरा है, वैसे में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है उसे निपटाएं। दूसरा इससे मैसेज ये भी गया कि आगे आने वाले दिनों में जो कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर जो लोग सियासत करना चाह रहे थे उनके पीछे भी उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो मंशा है, उस पर भी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति जाकर, खासकर जो जनप्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र में अपने इलाके में जाकर वहाँ किसी कार्यक्रम को नहीं कर सकता है या कोई मुआयना नहीं कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने एक चीज से दो निशाने साधे हैं। हालांकि ये फैसला और पहले अगर लिया जाना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि हम संक्रमण को रोक पाते। ये हमारी पहली प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी है, सरकार को आगे भी रखनी होगी, क्योंकि संक्रमण ना फैले इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का उल्लंघन न हो इसका ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश, जो अधिक जानकारी दे रहे थे।